मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे हिमकेयर योजना शुरू की थी। उन्होंने कहा कि अभी सरकार को निजी अस्पतालों को इस योजना के तहत 450 करोड़ का भुगतान करना है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा सुदृढ़ करेगी ताकि लोगों को निजी अस्पतालों का रुख न करना पड़े। इस दौरान नरेश चौहान ने कहा कि सांसद कंगना रनौत को इस बुरे वक्त में लोगों के बीच होना चाहिए था और इस समय भी अपने लोगों के बीच न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हमारी सरकार के सामने और प्रदेश के सामने बहुत बड़ा वित्तीय संकट से गुजर रही है। उसके कई कारण हैं, कर्जों का बोझ होना या पिछले 5 वर्ष जो सरकार रही भाजपा की, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया, कोई ऐसे फैसले नहीं लिए, ऐसा प्रयास नहीं दिखा जयराम जी की सरकार में कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का कोई प्रयास किया हो, और हालात धीरे धीरे जो है और ख़राब होते जा रहे हैं। ये ज़रूरी है कुछ हम ऐसे फैसलों को रिव्यू करें जो पिछली सरकार ने, मुझे लगता है, बिना जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क किए इस योजना को शुरू किया। आप ये समझें कि अगर 500 करोड़ रुपया एक साल का इस योजना पे खर्च होना है और आपने बजट में ये प्रोविजन नहीं किया कि ये 500 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। आपने योजना लागू कर दी, लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझते हुए 2-3 ऐसे फैसले किए हैं जिससे प्रयास साफ तौर पे दिखता है कि हमारी प्राथमिकता और सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की, और उसके लिए लेने भी पड़ेंगे। आज पूरे प्रदेशवासी जो है कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं। जो आज स्थिति है, जो हमारे पास जो कर्जा है उसको रीपेमेंट करने के लिए और उसका ब्याज चुकाने के लिए ही सारा हमारा पैसा, बहुत सारा उसमें निकल रहा है। तो ये आवश्यकता है कि आज अच्छे फैसले किए जाए, कुछ योजनाओं की समीक्षा की जाए। जैसे आपने ये जिक्र किया कि इस योजना में कौन सी ऐसी प्रजा, 900 करोड़ के करीब अभी देनदारी है जिसमें 400 कुछ करोड़ रुपया 146 ऐसे प्राइवेट छोटे नर्सिंग होम और छोटे हॉस्पिटल्स हैं जिनका पैसा सरकार ने जो है उन हॉस्पिटल्स को देना है। और आप समझें कि जब हम अगर इस पैसे को अपने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगाएं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई ऐसी आवश्यकता रह जाएगी कि आपको इलाज कराने के लिए छोटे सरकारी हॉस्पिटलों को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की आवश्यकता रहेगी। और जिस प्रकार से इसमें अभी सामने आए, पिछले दिनों सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को चर्चा की थी कि भाई इसमें मिसयूज हो रहा है, आपके सामने है काफ़ी बड़ा इसमें जिस प्रकार से घफले हो रहे हैं, लोग इस योजना का मिसयूज कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम के साथ मिलके कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने इसका एग्जांपल भी आपको बताया कि किस प्रकार हर्निया के ऑपरेशन का अगर 25,000 बनना है तो 1 लाख रुपए तक के बिल बनाएंगे। ये जो नेक्सिस काम कर रहा है हमारे और आपके और प्रदेश की जनता के पैसों के साथ मिलके जो लूटने का काम चला, उसको बंद करने की बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ इस फैसले का प्रदेशवासी भी स्वागत करेंगे कि उनके द्वारा टैक्सेस से जनता का पैसा कुछ लोग मिलके अपने स्वार्थ के लिए मिसयूज़ कर रहे हैं। ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि हमें ऐसी योजनाओं को जिसमें लोग मिली भगत करके हमारा आपका पैसा का मिसयूज़ हो रहा है, चोरी हो रही है, उसको रोकने की हमारी ये जिम्मेवारी थी। और इस फैसले से निश्चित तौर पे बहुत बड़ी ये चोरी रुकेगी और उस पैसे का जो यूज़ है, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना मन बना लिया और इसको लेके उन्होंने हेल्थ वालों के साथ परसों मीटिंग भी ली है फ्राइडे को, जिसमें एक बात साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसको हम स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले बड़े हॉस्पिटल्स, आप समझे IGMC मेडिकल कॉलेज शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पूरी सुविधाओं के साथ, पूरे स्टाफ के साथ इस इन दोनों को जो है स्ट्रेंथन कर रहे हैं हेल्थ सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट फेज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और हमारे जो ब्लॉक के हॉस्पिटल्स हैं
उनको स्ट्रेंथन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये प्राथमिकता है कि हेल्थ सेक्टर को हमने हिमाचल प्रदेश में मजबूत करना है कि जिससे लोगों को उनके घर के नज़दीक अच्छी और मजबूत हेल्थ सर्विस जो है मिल सके। तो ये मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ सरकार का कि आप आज मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत है बड़े फैसले लेने की जिनकी आवश्यकता है प्रदेश हित में और आर्थिक स्थिति को ठीक करने की। उन्हें और भी बिजली बोर्ड में जिस प्रकार से 125 यूनिट बिजली उन लोगों के लिए जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं उसको बंद करने का जो फैसला किया है उससे भी निश्चित तौर पर बिजली बोर्ड को बचाने का एक जो ध्येय सरकार का और मुख्यमंत्री जी का है उसमें आगे बढ़े हैं और इस फैसले का भी मैं स्वागत करता हूँ। और इसका मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा बहुत सारे लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है कि आज सरकार को ये सोचने की आवश्यकता है कि ऐसी सरकार चाहिए कि जो फ्यूचर आने वाला समय प्रदेश का है उसके लिए हम ऐसे फैसले लें कि प्रदेश वित्तीय संकट से बाहर निकले और अपने पाँव पर खड़े होने के लिए निश्चित तौर पर हमें अच्छे फैसले लेने की आवश्यकता है। फिर से बरसात आने के बाद जिस तरह से बहुत दुखद घटनाएं एक दिन के अंदर बारिश होने से और बादल फटने से हिमाचल प्रदेश के आप रामपुर की बात करें या कुल्लू ज़िला की बात करें बहुत नुकसान हुआ, बहुत दुखद है। रात को लोग अपने घरों में सोए हैं और परिवार के परिवार पूरा गांव जो है ख़त्म हो गया। इसकी जितना भी हमको दुख है उनके अब कई तो ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में सदस्य ही नहीं बचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ गए, लोगों के बीच गए हैं। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो लोग बचे हैं उनके रिश्तेदार या कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने स्कूल की बात कर रहे थे कि हमारा स्कूल बह गया, ये सारी बातों को मुख्यमंत्री जी ने लोगों के बीच जाके जाना है कि उनके ऊपर कितना बड़ा संकट आया है और एक बात को सुनिश्चित किया कि हम पूरी तरह से उनकी मदद करेंगे। जहां घर बनने हैं उनको राहत पैकेज मिलेगा और 50-50 हज़ार रुपया दे के इमीडिएट राहत देने की बात थी या वहां पर सड़कों को खोलने की बात है या स्कूल आगे बनाने की बात है या बच्चों की जो भावना थी, ये बहुत दुखद घटनाएँ थी। जब सोशल मीडिया पे हम और आप भी देखते हैं तो ये दिल को दहलाने वाली घटना थी जिस प्रकार 2 घंटे के अंदर पूरा गांव समेज में जो है बह गया रामपुर के साथ, उसी प्रकार बागीपुल में निर्मंड के साथ दुखद घटना हुई, मंडी में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कुल्लू के अंदर भी प्रोजेक्ट में जो कुछ हुआ वहाँ भी लोग फंसे थे, उनको प्रशासन ने आदेश थे सबको बाहर निकाला, सारी एजेंसीज और प्रशासन जो है हर जगह काम में लगा हुआ है। सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की थी कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए, जो लोग फंसे हुए हैं शायद ये उम्मीद हम करते हैं कि उनमें से कुछ जिंदा लोग मिले, लेकिन काफ़ी कम संख्या में अभी डेड बॉडीज़ मिली हैं और बहुत सारे लोग तकरीबन 50 के लोग करीब अभी भी मिसिंग हैं और हर जगह जो है पूरी ज़ोरों के साथ राहत कार्य चल रहा है और खोजने के प्रयास हो रहे हैं। ये पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की थी कि लोगों को जो है इमीडिएट तौर पे जो है उनकी लोगों को तलाशने का काम जो था वो पहली प्राथमिकता थी। बाकी उनको रिहैबिलिटेट करने की बात है या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिनके पास घर नहीं रहा वो साथ में कहीं भी रह सकते हैं, 5,000 रुपया महीने का किराया जो है सरकार देगी, बाकी जो हमारा मैनुअल है उसके हिसाब से पूरी मदद लोगों की जाएगी क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत लोगों ने अपनी जान माल का नुकसान हुआ है और सरकारी संपत्तियों का, सड़कों का, पानी की स्कीमों का, बिजली की स्कीमों का भी बहुत नुकसान हुआ है। नेचर की जो मार है हिमाचल प्रदेश को पिछले साल भी बहुत पड़ी और इस बार भी ये बड़ा नुकसान। सांसद कहीं नज़र नहीं आई है, समय है या नहीं है, मैंने कहीं सोशल मीडिया पर पढ़ा कि वो कह रही थी कि मुझे ऐसा कहा गया कि आप अभी इधर ना आए अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच, जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है अभी बहुत कम समय हुआ। वैसे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट थी अगर उन्होंने ऐसी बात कही
कि हम मैं अभी जो है लोगों के बीच नहीं जा सकती, वहाँ खतरा है। लेकिन राज्य सरकार इस बात को लेके आपके सामने मुख्यमंत्री जी पहले दिन से उसी वक्त पूरी रात रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ बैठ के लोगों के साथ प्रशासन के साथ लोगों की सहायता में जुट गए और खुद जो है वहाँ पर जाके लोगों के बीच गए हैं और जिससे लोगों को अच्छी सहायता मिल सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो उनके नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में उनको लोगों के बीच होना चाहिए ऐसे वक्त में जब उनके क्षेत्र के लोग बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और उनके ऊपर सबसे बड़ा दुख और संकट है। तो आप इस समय लोगों के बीच ना रह के आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। वैसे भी अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंडी से हैं, मैं समझता हूँ उनकी स्टेटमेंट्स को लोग अब ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। उनका देखा गया है कि वो कभी भी किसी के विषय में भी किसी भी तरह की टिप्पणी कर सकती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि लोग अब उनको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। बीजेपी की भूमिका को किस तरह से देखते हैं इस बार? प्राथमिकता हमारी बड़ी साफ थी कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। प्रशासन वहीं डटा हुआ है, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, NDRF है, हमारे स्टेट रजिस्टर वाले हैं और दूसरे लोग हैं, पुलिस विभाग हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है सब तरह से। पहली प्राथमिकता तो यही थी कि लोगों के साथ खड़े हों, उनको इमीडिएटली जो राहत मिलनी चाहिए हर तरह से, चाहे उनके जन खोए हैं, कुछ लोग जो जीवित होने की उम्मीद थी उसको देखते हुए, और जहाँ पर वो संभावनाएँ कम हैं, डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं, वो बह गई है पानी के बीच या मलबे में दबी हुई है, ये प्राथमिकता सरकार की सबसे पहले थी। और लोगों को खाने पीने के लिए रहने के लिए इमीडिएट जो सहायता मिलनी चाहिए वो प्राथमिकता है। अब ये बात की है कि अभी बरसात चल रही है और उसके बाद और भी सारी जगह से जो डिपार्टमेंट्स का काम है कि नुकसान का मुआयना करेंगे और भारत सरकार ने जो सहायता है वो बाद की बात है, हम अपना प्रेजेंट करेंगे। हिमाचल एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हमें हर बात के लिए, विकास के लिए, सहायता के लिए निश्चित तौर पे भारत सरकार की तरफ देखना होता है। उम्मीद रहती है कि भारत सरकार मदद करेगी। और ऐसे समय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर साहब से और सभी नेताओं से दिल्ली में बातचीत हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है, नड्डा साहब से भी बात हुई कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे, तो वो एक अगला पहलू है। लेकिन अभी हमारी अपनी जो प्राथमिकताएं थी वो ये थी कि पूरी तरह से मंत्रिमंडल, MLAs, प्रशासन हर तरह से जो है लोगों की सहायता होनी चाहिए इन हालात में। सर कुछ टूरिस्ट भी फंसे जो पहले चरण में प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी लोग फंसे थे, टनल के अंदर थे, वो सभी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कहीं लोग फंसे हैं। श्रीखंड यात्रा पर जो श्रद्धालु थे काफ़ी संख्या में थे, उनको भी रेस्क्यू कर दिया गया है। बाकी जहाँ से और भी कोई ऐसी समाचार आएंगे कहीं लोगों को सहायता की ज़रूरत होगी, पूरी तरह से पूरे स्टेट के अंदर हर तरह से अलर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए, सभी अपने मंत्रिमंडल को, प्रशासन को, हर जगह हर जिला में कि इन परिस्थितियों में सब अलर्ट रहे और लोगों के लिए कहीं से भी कभी भी कोई घटना होती है उसके लिए एकदम से जो है सहायता लोगों को मिलनी चाहिए। इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो घबरा जाते हैं और हिमाचल प्रदेश जो है टूरिज्म हब है, यहाँ पे न केवल देश से बल्कि विदेश से सैलानी भी आते हैं, क्या कहना? इसके लिए मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मैं आप लोगों से, मीडिया के दोस्तों से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि इनफैक्ट होता क्या है कि हमारी जो खबर हिमाचल प्रदेश की चलती है उसको बार बार रिपीट करने से नेशनल मीडिया पर एक खौफ जो है पूरे देश के अंदर लोगों में हो जाता है कि भाई हालात शायद इतने ख़राब है लेकिन वास्तविकता आप लोग समझते हैं, आप लोग कवर करते हैं उन घटनाओं को, आप लोग जानते हैं कि अगर घटना रामपुर के साथ समेज में हुई है तो वो वहीं की है। आप समझे कि पूरे शिमला जिला का नाम ज़रूर आया लेकिन शिमला जिला में कोई सड़क अवरुद्ध नहीं है और आना जाना बिल्कुल नॉर्मल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग भी, हम लोग भी, प्रशासन भी इस तो और ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि हम लोग इसका विशेष ध्यान रखें कि हम एक पर्यटक राज्य हैं, टूरिज़्म हमारी GDP का और स्टेट का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे वो रोज़गार की दृष्टि से है, चाहे आप रेवेन्यू की दृष्टि से बात करें। हमें सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी चीज़ से उस इंडस्ट्री को नुकसान ना हो।
पर्यटन, मैं आज भी ये अपील करता हूँ कि अभी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, जो लोग शिमला आना चाहते हैं, धर्मशाला आना चाहते हैं या दूसरे डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं, 2 दिन केवल हमारा मनाली और उसके बीच रोड जो है अवरुद्ध रहा, वो भी खुल चुका है और आप कहीं भी जा सकते हैं। ये ज़रूर है कि अपना, चाहे वो पर्यटक है चाहे हमारे अपने लोग हैं, इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि बरसात के दौरान आपको नदियों से और नालों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये जो घटनाएं होती है अक्सर ये नदियों और नालों के करीब होती है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि टूरिज़्म की दृष्टि से जो लोग हिमाचल का रुख करना चाहते हैं वो अपना थोड़ा सा टेलीफोन करके जानकारी लेके आए, सुरक्षित हैं, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट चल रहा है, रेलवे चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जहाँ ये घटनाएं हुए वहाँ सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पे, उनकी मदद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।